हरे कृष्णा, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारी एम तिलक में। तो हम आपको बता रहे थे कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है। कई लोग गलती कर देते हैं पंचामृत बनाने में कि उसी में दूध मिलाया, दही मिलाया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के पंचामृत बना देते हैं। कभी भी ऐसा पंचामृत नहीं बनता है। पंचामृत बनाने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, मंत्र खुद बोल रहा है, पंचामृतम मयानीताम पयो दधि घृतम मधु और शर्करा। इन 5 चीजों से पंचामृत बनता है। कभी भी आप दूध दही मिलाकर उसमें ड्राई फ्रूट्स कभी नहीं भी ना मिलाएं, क्योंकि वह भगवान को नहीं चढ़ता है, वो केवल अपने जीवा की स्वाद के लिए होता है। कभी भी भगवान को यह ऐसा बना करके पंचामृत नहीं बनाएं। कभी कभी तो कई लोग पंचामृत में गंगा जल, तुलसी दल ये सब कुछ डाल देते हैं। कभी भी नहीं डालना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, दूध दही घी शक्कर और मधु, इन 5 चीजों से बन करके ही पंचामृत बनता है। तो आप लोग क्यों ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम खुद को नुकसान हो? आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।